नमस्कार, संवाद टीवी के पुरानी यादें कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज इस कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करते हैं। भारतीय राजनीति में अगर सुचितापूर्ण राजनीति की बात की जाए तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम सर्वोपरि आता है। सहज सरल व्यक्तित्व के धनी, अपने मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ हसमुख रहा करते थे और जमकर मौका मिलता था तो ठहाके भी खूब लगाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस अंदाज को हर कोई पसंद करता था और उनका भाषण लाजवाब होता था। लोग सुनने के लिए हजारों नहीं लाखों की संख्या में पहुंचते थे और बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो अपने छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर उठाकर लेकर जाते थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण सुनवाते थे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का बोलने का अंदाज बहुत प्यारा था। कभी कविताओं के झोंके चलते थे तो कभी संवाद चलता था और कभी बोलते बोलते रुक जाते थे, सोचते थे, चिंतन और मंथन करते थे और फिर शब्द जब निकलते थे तो वो ब्रह्म होते थे, उन्हें लोग पसंद करते थे। और इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे नेता थे जिन्हें सर्वमान्य नेता कहा जाता, यानी जिनको सभी दल के नेता मानते थे। तो आइए अटल जी की उस कहानी की ओर लेकर चलते हैं। 1960 का दशक था, उस समय जनसंघ था और अटल जी चुनावी रैलियों में लगातार दौरा करने के लिए तैयार थे। तो अलीगढ़ जब उनकी यात्रा पहुंची, चुनावी रैली उन्हें करनी थी, तो उनके पास दो जोड़ी ही धोती कुर्ता थे और वो भी यात्रा यानी चुनावी यात्रा इतनी लगातार थी कि वो दो धोती कुर्ता भी गंदे हो जाते थे। तो कहीं समय मिलता था तो अटल जी स्वयं उसे धुलते थे, साफ करते थे, मौका मिला तो प्रेस किया, नहीं तो चल देते थे फिर रैलियों में, चुनावी सभाओं में, जनसंपर्क में, तमाम जगहों पर उन्हें जाना होता था। तो अलीगढ़ जब पहुंचे तो उस समय जनसंघ के अध्यक्ष जो थे शिवहरि सिंघल जी थे, उनके घर पर रुके और उनके घर पर रुकने के बाद चुनावी रैली के लिए तैयारी करने लगे। लेकिन तभी अटल जी देखते हैं कि उनका जो दो जोड़ी धोती कुर्ता था वो गंदा था, तो उन्होंने सोचा कि इसे कैसे पहना जाए और फिर तुरंत ही रैली है, अगर धुलेंगे तो सूखेगा नहीं। तो उसी समय उन्हें नजर आ गए केएल गुप्ता जो अलीगढ़ के प्रभारी थे। तो केएल गुप्ता की अटैची में एक साफ सुथरा धोती कुर्ता था, तो अटल जी ने निवेदन किया, आग्रह किया केएल गुप्ता जी से कि अपना धोती कुर्ता ये दे दो। तो केएल गुप्ता जी ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं देने वाला, आप जो है देख लीजिए, कोई और व्यवस्था कर लीजिए, लेकिन मैं अपनी धोती कुर्ता नहीं दूंगा क्योंकि मुझे भी रैली में जाना है। तो अटल जी चुपचाप बैठ गए। तब तक थोड़ी देर बाद जो है केएल गुप्ता जी स्नान करने के लिए जाते हैं। अटल जी ने चुपचाप क्या किया, केएल गुप्ता जी के अटैची से वो धोती कुर्ता उनका निकाला और निकालने के बाद पहन लिया। थोड़ी देर बाद जब केएल गुप्ता जी स्नान करके आते हैं तो तैयारी करने लगते हैं तो अटल जी उनके पास पहुंचते हैं और पहुंच कर दिखाते हैं, मजाकिया अंदाज था ही और कुछ लहजे उनके एकदम बिंदास हुआ करते थे। तो अटल जी ने केएल गुप्ता जी से ही कहा, उन्हीं का धोती कुर्ता पहने हुए, कहा गुप्ता जी देखो कैसे लग रहे हैं, जरा लकलका के देखो ये कुर्ता कैसा लग रहा है। तो केवल केएल गुप्ता जी उस समय ध्यान नहीं दे पाए क्योंकि तैयारी कर रहे थे, रैली का था, कार्यकर्ता गिरे हुए थे, तो बोले हाँ हाँ ठीक है। फिर अटल जी ने जानबूझ कर कहा, अरे जरा देखो कुर्ता कैसा लग रहा है, लकलका रहा है कि नहीं, आज रैली में दहाड़ेंगे कि नहीं, इसको पहन के अच्छे लगेंगे कि नहीं। तो केएल गुप्ता जी ने कहा हाँ हाँ ठीक है। तब तक वो अटैची के पास अपने पहुंचे, अटैची खोली तो अटैची से केएल गुप्ता जी का कुर्ता धोती गायब था। तो उन्होंने पूछा कहाँ है मेरा धोती कुर्ता कहाँ गया, वो चौंक गए। उनका दिमाग थोड़ी देर बाद तुरंत जो है अटल जी के पास पहुंचा क्योंकि अटल जी जो है मांग ही रहे थे पहले से। तो फिर तिबारा थोड़ी दूर होकर अटल जी ने केएल गुप्ता जी से कहा कि जिससे वो पकड़े ना, जिससे उनके पास तक ना पहुंचे। तो अटल जी ने कहा कि अरे अब देखो गुप्ता जी लकलका के ठीक लग रहे हैं कि नहीं, बढ़िया लग रहे हैं कि नहीं, अब दहाड़ेंगे कि नहीं रैली में। तब तक तो केएल गुप्ता जी दौड़ पड़े अटल जी की तरफ और दौड़कर जो है वो पकड़ने की कोशिश किए कि किसी भी तरह से अपना धोती कुर्ता ले लें, लेकिन अटल जी उस समय धोती कुर्ता पहन चुके थे और बाहर की ओर तेजी से निकले और तेजी से निकलने के बाद कहें कि गुप्ता जी अब ये धोती कुर्ता आपको नहीं मिलने वाला। केएल गुप्ता जी ने कहा अरे मुझे भी रैली में जाना है। तो अटल जी ने कहा अरे मैं बड़ा नेता हूं, मुझे रैली में जाना है, और ये सोचो कि मैं बड़ा नेता होने के नाते अगर मैं किसी रैली में जाता हूं गंदा धोती कुर्ता अगर पहनूंगा तो लोग क्या कहेंगे, गुप्ता जी कुछ समझो तो,
फिर लोग ये कहेंगे कि लो बड़ा नेता होने के बाद इनके पास धोती कुर्ता नहीं है और गंदा धोती कुर्ता पहन के आ गए। तो इसलिए केएल गुप्ता जी आप जो है ये धोती कुर्ता मेरा रख लो और इसे धुल लेना, शाम की आपकी रैली है तो शाम तक सूख जाएगा और फिर उसके बाद आप पहनकर रैली में चले जाना। और इतना कहते हुए अटल जी तेजी से निकले कार्यकर्ताओं के साथ, फिर रैली में आगे के लिए बढ़ गए, रैली में आगे जाने के लिए तैयार हो गए। तो पूरा जो कमरा था, जो लोग बैठे हुए थे, सभी ने जमकर ठहाका लगाया, खूब तेज से हंसने लगे। अटल जी के इस अंदाज को देखकर लोग जो है उन्हें सैल्यूट करने लगे, लोग उनके इस अंदाज को पसंद करते भी थे और लोग एकदम मुग्ध हो गए। यानी इतने सहज, इतने सरल और इतने साधारण तरीके से, चाहते तो चुपचाप अटल जी पहन के निकल जाते हैं, लेकिन अटल जी क्या करते हैं कि पहनते हैं और पहनने के बाद जैसे छोटा बच्चा होता है ना कि किसी के कपड़े पहन ले और बार बार उसको दिखाए, तो उसी तरह से अटल जी गुप्ता जी के कपड़े को पहन लिए, यानी धोती कुर्ता को पहन लिया और उसके बाद प्रसन्नता से खुशी से कहते हैं कि गुप्ता जी देखो कैसा लग रहा है, धोती कुर्ता ठीक है कि नहीं। तो उन्हें चिढ़ाने के लिए कि वो जान भी जाएं, ऐसा नहीं, अटल जी का ये प्रयास भी था कि वो सोच भी रहे थे कि केएल गुप्ता को ये पता भी चल जाए कि उन्होंने ही धोती कुर्ता पहना हुआ है। तो लोग जो है उनके इस अंदाज पर हंसने लगे, लोग जो है एकदम से मुग्ध हो गए और अटल जी का यही अंदाज लोग पसंद करते थे, अटल जी के इसी व्यवहार को पसंद करते थे। अटल जी इन बातों से लोगों को सीख देते थे, लोगों को बताने की कोशिश करते थे कि कैसे कमतर में भी रहकर अपने आप को आगे बढ़ाया जा सकता है और राजनीति में आगे निकला जा सकता है। और इसीलिए अटल जी के व्यक्तित्व से, अटल जी के कृतित्व से हर कोई उन्हें पसंद करता था और इसीलिए भारत रत्न भी उन्हें दिया गया, क्योंकि उनका जो देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव था और उनके जो भाषण होते थे, उनकी जो कविताएं होती थी, वो लोगों को पसंद आती थी। अब आप समझिए कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो इतने बड़े नेता थे, भले ही जनसंघ में रहे हों, लेकिन उनकी प्रखरता, उनकी वाणी को लोग पसंद करते थे। प्रतिपक्ष के नेता, यानी चाहे वो नेहरू रहे हों, चाहे वो इंदिरा गांधी रही हों, सब अटल जी की बातों को मानते थे और अटल जी के भाषण को पसंद किया करते थे। उसके बावजूद उनके पास केवल दो जोड़ी धोती कुर्ता थे, मतलब बहुत ज्यादा कपड़े नहीं हुआ करते थे, बहुत आलीशान सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, आने जाने के लिए बहुत ज्यादा गाड़ियां नहीं हुआ करती थी। कई बार तो अटल जी ऐसी गाड़ी पे, जीप पर बैठे कि जहां डीजल खत्म हो गया जीप में, तो लोगों को धक्का देनी पड़ी, तेल की व्यवस्था करानी पड़ी और फिर जो है अटल जी आगे की यात्रा तय कर पाए। तो ये अटल जी का एक साधारणपन था, सहजपन था, सरल था पन था, और जिसके कारण से लोग उन्हें पसंद करते थे। भले ही आज राजनीति में चमक और दमक हो, भले ही आज राजनीति में दिखावा हो, भले ही राजनीति में आज नेता एक मिनट में दो चार कपड़े बदलते हों, लेकिन अटल जी जैसी सादगी आज भी तमाम लोग पसंद करते हैं और चाहते हैं कि अटल जी जैसा ही नेता हो। तो पुरानी यादें में अटल जी की ये कहानी आप सबको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जाकर आप सब बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगती है तो आप लोग जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इन कहानियों के माध्यम से राजनीति में कुछ ना कुछ लोग सीखें और अपने जीवन में परिवर्तन लाने का काम करें। अगली कहानी तक आप प्रतीक्षा करिए, तब तक संवाद टीवी की तरफ से आप सबको नमस्कार।